नमस्कार। कक्षा तृतीया विषय गणित भाग ए का अध्याय दो, तो अंकों की संख्याओं की जोड़ पढ़ेंगे। सबसे पहले अधिगम बिंदु। सबसे पहले इस पाठ में पुनरावलोकन करेंगे, जो पाठ पीछे पढ़ा था संख्याएं उसका पुनरावलोकन करेंगे। उसके बाद में दो अंकों वाले आड़े में लिखे सवालों को हल करना। दो संख्याओं की आड़ों में आड़ी संख्या लिखी है उसकी जोड़ करेंगे। उसके बाद में इकाई दाई सैकड़े के अनुसार संख्याएं लिखना। संख्याओं को इकाई दाई और सैकड़ा के अनुसार संख्याएं लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में दो अंकों की संख्या को कॉलम में जोड़ करना। दो अंकों वाली संख्या है वो कॉलम रूप में लिखी हुई इकाई और दाई जैसे, तो उसकी जोड़ करेंगे। दो संख्याओं पर आधारित इबाती सवाल जोड़ के, इबाती सवाल जोड़ के आधारित जो इस पार्ट में हम आज हल करेंगे। जिसे देखेंगे जोड़ है शिला 15 पर खड़ी है। शिला 15 पर खड़ी है, वह 11 कदम चलकर कहां पहुंचेगी। तो ये 15 है, अब वो 11 कदम चलेगी, तो ये 1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30। तो 15 पर खड़ी है तो 11 कदम चलकर कहां पहुंचेगी। तो ये 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, और 11 कदम। तो शिला 15 पर खड़ी है वह 11 कदम चलकर कहां पहुंचेगी, 26 पर। इस प्रकार से आप ये इसे जोड़ कर सकते हैं। जोड़ का दूसरा तरीका भी है, 15 और 26 को जोड़ना है, सॉरी 11, तो ये 5 इकाई और 1 इकाई, 6 इकाई हो जाएगी, और 1 दाई और 1 दाई 2 इकाई हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका देखेंगे, 15 मोती पहले ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 मोती है। अब 15 मोती के साथ में 11 मोती गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे तो ये 15 है, 16। तो 15 मोती के साथ में 11 मोती गिनने पर 26 मोती आएगा। इसी प्रकार 15 प्लस 11 बराबर 26, ये तीसरा तरीका है। अलग अलग तरीके से आप जोड़ कर सकते हैं। अभी अभ्यास सौ बांटे गए, कॉपी में सारणी बनाइए और खाली जगह भरिए।
ये क्रम संख्या है, संख्या है और संख्या है, इनको जोड़ के वापस उस संख्या का नाम लिखना और संख्या का पूरा लिखने के बाद उस संख्या का नाम लिखेंगे। तो इनको पहले अपन शब्दों में लिखेंगे। ये 300 है, 300 प्लस 40 प्लस 60। अब इनको जोड़ के लिखेंगे, 300 का 300 लिखो प्लस 40 और 60 47, जिसको भी शब्दों में लिखेंगे 300 प्लस 47। इसी प्रकार इसको पावर्स कुल जोड़ेंगे 300 प्लस 47 347, और इसको वापस शब्दों में लिखेंगे 347। इसी प्रकार से इनको भी लिखना है और आगे भी प्रश्न है जो आपको पीडीएफ फाइल में देंगे। इसको लिखेंगे 200 प्लस 20 प्लस 60। अब जोड़ो इसको, 200 प्लस 20 और 60 27, 200 प्लस 27। अब टोटल जोड़ेंगे, अब कुल जोड़ेंगे 200 प्लस 27 बराबर 227। तीसरा प्रश्न है, 100 प्लस 40 प्लस 9 जोड़ो, 100 प्लस 40 और 9 49, 149। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।